नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली में कोविड 19 गाइडलाइन के नियमों की पालना नहीं करने के कारण प्रशासन द्वारा सख्ती बरतते हुए बिना इजाजत खुल रही दुकानों को सीज किया जा रहा है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी किए गए निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। इसी के चलते पाली में कपड़े की एक दुकान को सील कर दिया गया। तहसीलदार रायचंद देवासी की उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई। देवासी ने बताया कि कोविड 19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों से गाइडलाइन की पालना करने को कहा। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों के साथ शहर की सब्जी मंडियों का निरीक्षण कर जन अनुशासन पखवाड़े की अनुपालना को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सभी को कोविड 19 रोकथाम गाइडलाइन का पालन करने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने सब्जी विक्रेताओं से कई बातों पर चर्चा की और उन्हें जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों की जानकारी दी। इस दौरान कई अधिकारीगण मौजूद रहे। दरियावद में सरकार के आदेशानुसार 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन कार्य में वैक्सीन की कमी के कारण पिछले 6 दिन से दरियावद उपखंड क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा। इसको लेकर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने बताया कि 2 दिन बाद वैक्सीन के टीके उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं देवला में डॉक्टर कमल सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा 65 लोगों की सैंपलिंग की गई। दरियावद में सरकार के आदेशानुसार कोविड 19 गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन सख्ती बरतता नजर आ रहा है। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए दरियावद थाना CI सुरेंद्र सिंह राव के निर्देशन में क्षेत्र में जगह जगह पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया। लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध चालान काटे गए व दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश भी दिए गए। मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र में कोरोना के ब्रेक फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। वो कहा कि सभी लोग प्रशासन से न डरकर कोरोना वायरस से डरे। इस दौरान तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, विकास अधिकारी मुकेश जेमन भी ग्रामीणों को अनुशासन सिखाते नजर आए। वहीं अधिकारियों ने अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।